Welcome to video lecture series on strength of material. From this video, we are going to start with a new unit, that is shear force and bending moment diagram. Now, first of all, why there is need to draw this diagram, shear force and bending moment diagram? हमें क्या जरूरत है कि हमें shear force और bending moment diagram draw करना पड़ता है? Generally, shear force और bending moment diagram हम जो draw करते हैं, वो frame structure में beams और columns के लिए करते हैं. और प्राइमरीली हम बीम्स के लिए करते हैं. अब ये हम ड्रॉ क्यों करते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं एक बीम का आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने एक बीम लिया, अभी फिलहाल आप सिर्फ इसे बीम कंसिडर कीजिए. ये दो सपोर्ट है, सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, और इस पर अभी फिलहाल ये यूडीएल है, राइट, से न्यूटन पर मीटर में एक कुछ यूडीएल है. एंड दिस इज स्पैन. तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम रहेगा वो शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा. ओके, एंड बेंडिंग मोमेंट दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज पॉजिटिव. सो दिस इज एस एफ डी एंड दिस इज बी एम डी. For such type of beam, this beam is known as simply supported beam carrying UDL over entire span. Now, हमें क्या पता चल रहा है इस पे से? हमें ये पता चल रहा है कि from A point to B point shear force कैसे vary हो रहा है. अगर आप देखोगे तो A point पे shear force maximum है, फिर shear force कम कम होते जा रहा है, और फिर B point पे shear force negative है, maximum negative है, यहाँ पे maximum positive है. Similarly, bending moment diagram में हमें ये दिख रहा है कि A point और B point पे तो moment zero है, बट जैसे जैसे हम यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वो बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है और फिर से कम होते जा रहा है. तो अभी ये तो क्लियर हो गया हमें कि जो भी शियर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हमें ये बताएंगी कि वेरिएशन क्या है, शियर फोर्स डायग्राम में वेरिएशन क्या है, या हमें ये बताएंगी कि कहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है और कहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जीरो है. तो वो हम उस पर से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक बार आपने ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लिया, उसके बाद क्या, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीम लेते हैं विच इज फिक्स्ड ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंड अगेन इट इज कैरिंग यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन. अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बीम कुछ ऐसे बेंड हो रहा है. यहाँ पे मैं बेंडिंग कर्वेचर निकाल के बताता हूँ आपको, लाइक दिस. तो अगर हम आगे देखने वाले हैं कि सैगिंग क्या रहता है, हॉगिंग क्या रहता है, सिर्फ अभी आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये पोर्शन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन जो एंड पोर्शन है वहाँ पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है. और अगर आप कभी साइड पे गए और वहां पे अगर आपने देखा कि बीम में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ट अप फ्रॉम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट मीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील प्लस कॉन्क्रीट, राइट. तो वहां पे कुछ ऐसे बार दिखाई देंगे आपको, इसे बेंट अप बार कहते हैं, है ना. अब ये बार क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है. अगर हम स्ट्रेट बार क्यों प्रोवाइड नहीं करते, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, यानी जो टेंशन है वो बॉटम में आने वाला है, इसलिए ये जो स्टील है ये बॉटम में प्रोवाइड किया हमने, और ये पोर्शन में टेंशन टॉप में आने वाला है, इसलिए हमने स्टील टॉप में प्रोवाइड किया, और इसलिए ये बेंट अप बार दिया है. यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये पोर्शन में बॉटम में स्टील की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी टेंशन कहाँ पे है, टॉप में है, और बॉटम में क्या रहेगा, कॉम्प्रेशन. और कॉम्प्रेशन कॉन्क्रीट ले सकता है बट टेंशन में वीक है कॉन्क्रीट, इसलिए हमें वहां पे जहां पे भी टेंशन आ रहा है वहां पे क्या प्रोवाइड करना है, स्टील प्रोवाइड करना है. और हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बताती है कि कहाँ पे ज्यादा टेंशन आ रहा है या कहाँ पे कितना टेंशन आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम वहां पे स्टील प्रोवाइड करेंगे. और कहाँ पे कॉम्प्रेशन आ रहा है, कॉम्प्रेशन अगर आ रहा है तो वहां पे जनरली स्टील प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट देर इज अगेन वन टर्म विच इज नोन एज कॉम्प्रेसिव स्टील, तो वहां पे हम कॉम्प्रेशन स्टील भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो अभी आपको ये तो ध्यान में आ गया, राइट. अभी शियर फोर्स डायग्राम की क्या जरूरत है? शियर फोर्स डायग्राम डिसाइड करता है, अगर आप कभी साइड पे गए होंगे या फिर आप कभी गूगल पे सर्च कीजिए रेनफोर्समेंट ऑफ बीम, वहां पे आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा. दिस इज नोन एज स्टीरअप्स. अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो इट इज लाइक दिस, लिंक्स, रिंग्स, तो कोई उसे रिंग कहता है, कोई
कॉलम में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो लिंक्स कहते हैं, बट बीम्स में जनरली इट इज कॉल्ड एज स्टीरअप्स। तो ये जो स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप्स की डायमीटर कितनी होनी चाहिए, दो स्टीरअप्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करता है, शियर फोर्स डायग्राम करते हैं। जहां पे ज्यादा शियर फोर्स की वैल्यू वहां पे कम स्पेसिंग यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टील, जहां पे कम शियर फोर्स की वैल्यू वहां पे ज्यादा स्पेसिंग यानी कम अमाउंट ऑफ स्टील, ये डिसाइड करने के लिए हमें शियर फोर्स डायग्राम चाहिए रहता है। तो अभी आप थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान में लीजिए कि जब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या डिसाइड करता है, लॉन्जिट्यूडनल स्टील, लॉन्जिट्यूडनल स्टील यानी बॉटम में या फिर टॉप में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द लेंथ, दैट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल स्टील। तो लॉन्जिट्यूडनल स्टील डिसाइड करने के लिए ऊपर कितना स्टील डालना चाहिए हमने, बॉटम में कितना स्टील डालना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिसाइड करेगा। और शियर फोर्स डायग्राम क्या डिसाइड करेगा कि ये जो रिंग्स है, ये जो स्टीरअप्स है, इनका डायमीटर कितना होना चाहिए और इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अब ये बेंडिंग मोमेंट क्या है या फिर शियर फोर्स क्या है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम ये यूनिट में कवर करने वाले प्री रिक्विजिट नॉलेज, हमें बेसिक नॉलेज क्या क्या चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट्स कौन से रहते हैं। तो आपका ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सपोर्ट्स जो रहता है, सबसे पहला सपोर्ट जो है वो है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट को हम ऐसा ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल रहता है, ठीक है। अब ये सर्कल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई हिंज सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे ऐसा रखा है, तो हिंज सपोर्ट क्या करता है, इट अलाउ रोटेशन इन वन डायरेक्शन, इट इज अलाउविंग रोटेशन, राइट, बट इट इज नॉट अलाउविंग द चॉक टू मूव इन दिस डायरेक्शन, चॉक टू मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, है ना। ये इसको पकड़ के रखा है, ये ना इसको नीचे जाने दे रहा है ना इसको साइड में जाने दे रहा है, सिर्फ इसको रोटेट होने दे रहा है। तो दो डायरेक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे। अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए हिंज, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ डायग्राम ऐसी आएगी, हम इसको डाउनवर्ड जाने दे रहे हैं क्या, नहीं। इसलिए अगर हम ये पॉइंट को ए कंसिडर करते हैं तो आर ए वी मीन्स वर्टिकल रिएक्शन एट ए, बिकॉज आई एम नॉट अलाउविंग दिस सपोर्ट टू गो डाउन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली मूव भी नहीं करने दे रहे हम इसको, इसलिए ये आ जाएगा आर ए एच। लेकिन हम इसको रोटेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। ये बीम है, दिस इज अ बीम, दिस इज बीम, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट रहता है फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट को जनरली हम ऐसा डिनोट करते हैं, ओके। अब फिक्स सपोर्ट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीम है, ये एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन और एक तीसरी रिएक्शन आएंगी, दैट इज मूवमेंट एम, दिस इज आर ए वी, दिस इज आर ए एच, ओके, दिस वन इज फिक्स्ड वन, ठीक है। ये आधा बीम दिखा रहा है, सेम बीम ये साइड में रहेगा। अब यहां पे देखिए, अगर मैं उसे फिक्स्ड कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिक्स्ड कहता हूं तो ना मैं इसको वर्टिकली मूव कर पाऊंगा, ना मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर पाऊंगा, ना मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा, रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। एंड देयर फोर देयर विल बी थ्री रिएक्शंस, ओके, सो आर ए वी, आर ए एच एंड मोमेंट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने थे, टू, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने, थ्री। अब आते हैं हम हिंज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, हिंज को ही यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, लेकिन यहां पे इसको रोलर्स दे दो लाइक दिस और इसको नाम दे देता हूं रोलर सपोर्ट। अब क्या चेंजेस आएंगे इसमें, ये हिंज सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर पाता था क्या, नहीं, लेकिन ये रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगा, एंड देयरफॉर यहां की जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो कितनी हो जाएंगी, जीरो, राइट। तो रोलर सपोर्ट में अगर ये बीम है और ये वर्टिकल सपोर्ट है आर ए वी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, एंड मूवमेंट भी कितनी रहेंगी, जीरो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, ओनली वन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जनरली फ्लैग पोस्ट,
फ्लैग पोस्ट का अगर आप देखोगे तो वो जो अपना फ्लैग पोस्ट जो रहता है वो पोस्ट को ना हम हॉरिजेंटली मूव कर सकते ना वर्टिकली मूव कर सकते उसकी जगह से, ना उसको हम रोटेट कर सकते एग्जैक्टली बॉटम से। रोटेट कर सकते लेकिन एग्जैक्टली बॉटम से रोटेट नहीं कर सकते। हिंज का डोर्स, डोर का जो लीफ रहता है वो लीफ को भी अगर आप देखोगे तो आप ना उसको वर्टिकली मूव कर सकते हो ना हॉरिजेंटली मूव कर सकते हो, बट उसको रोटेट कर सकते हो एंड देयरफॉर मूवमेंट इज जीरो। फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, स्केट्स, अगर आप स्केट्स पे खड़े हो, स्केटिंग्स पे खड़े हो और अगर देखोगे तो हम वर्टिकली मूव नहीं कर सकते बिकॉज नीचे जमीन है, बट वी कैन मूव हॉरिजेंटली, वी कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट द स्टेयर्स एंड देयरफॉर देयर इज ओनली वन रिएक्शन विच इज डाउनवर्ड, अपवर्ड रिएक्शन, बिकॉज वी आर ग्राउंड इज रेजिस्टिंग अस फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड, राइट। सो दीज आर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीम्स। अब सबसे पहला बीम जो रहता है दैट बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के एक साइड में हिंज रहता है और दूसरे साइड में रोलर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन वन साइड देयर इज हिंज एंड ऑन अदर साइड देयर इज रोलर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ए बी कह रहे हैं और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ लोड है, सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं आता हूं इस पे बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, हिंज के लिए कितने रिएक्शंस रहते हैं, दो, और रोलर के लिए एक रिएक्शन रहता है, राइट। और यहां पे ये लोडिंग, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम को हम जनरली ऐसा दिखाते हैं और अगर यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है तो वो केस में हम सिंपली सपोर्टेड बीम को सिंपली ऐसा ड्रॉ करते लाइक दिस, बिकॉज सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसलिए इसका डायग्राम कैसा आएगा, ये आएगा, तो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सा है, डिफाइन सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आप बोलोगे दैट वन सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट एंड अनदर सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट, देन इट इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। इफ बोथ सपोर्ट्स आर हिंज सपोर्ट तो उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं कह सकते, राइट, बिकॉज सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ डिटर्मिनेंट बीम। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, बट सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ डिटर्मिनेंट बीम एंड इन डिटर्मिनेंट बीम नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन शुड नॉट बी मोर देन 3। सो हियर द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर 3, राइट, विच कैन बी फाइंड आउट बाय समीशन ऑफ एफएक्स, समीशन ऑफ एफवाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट। बट मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे भी हिंज ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो रिएक्शंस आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, 4, तो दैट विल बी अ इनडिटर्मिनेंट बीम। इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑलवेज वन एंड इज हिंज एंड अनदर वन इज रोलर, राइट। अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं फिक्स्ड बीम क्या होता है। सो अगर दोनों एंड्स उसके फिक्स है देन इट इज नोन एज अ फिक्स्ड बीम, ठीक है, ये आपको ध्यान में आ गया। अब हम देखते हैं कि ओवरहैंगिंग बीम कौन सा रहता है, तो ओवरहैंगिंग बीम यानी अगर हम ये बीम बनाते हैं लाइक दिस और इसमें का कुछ पोर्शन यानी इतना पोर्शन जो है वो दिस इज नोन एज ओवरहैंग, दिस इज नोन एज ओवरहैंग, सो दिस इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। अब डबल ओवरहैंगिंग बीम कैसा रहेगा, तो अगर ये साइड में भी ओवरहैंग है देन इट इज नोन एज डबल ओवरहैंगिंग। अब ओवरहैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैंटिलीवर बीम कौन सा रहता है, अगर एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, दिस एंड इज फ्री, यहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, दिस इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। अब ये पोर्शन को हम कैंटिलीवर नहीं कह सकते बिकॉज दिस पोर्शन इज एक्सटेंडिंग ऑन अदर साइड, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग कहेंगे। कैंटिलीवर किसे कहेंगे, ये पोर्शन यहां पे एक्सटेंड हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए हम इसे कैंटिलीवर कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ओवरहैंगिंग, दिस इज कैंटिलीवर, दिस वन इज फिक्स्ड
This one is simply supported. Now what about continuous beam? Continuous beam means if there are more than one support, if there are more than two supports. So these are two supports. If there are more than two supports, then it is known as continuous beam. यानी तीन सपोर्ट अगर होंगे तो कितने बीम आते हैं? 1, 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार सपोर्ट है, 1, 2, 3. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस बीम. तो अभी आपको टाइप ऑफ बीम्स तो मालूम पड़ गए. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ लोड्स. अब टाइप ऑफ लोड्स में सबसे पहला जो रहता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड. उसे हम ऐसा ड्रॉ करते हैं. अब ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड क्या होता है? तो व्हेन पूरा जो लोड है वो कुछ छोटी जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है देन इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड. फॉर एग्जाम्पल ये अगर डस्टर मैं यहाँ पे हथेली पे रखता हूँ लाइक दिस पाम पे रखता हूँ तो दिस इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड बिकॉज इसका पूरा वजन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलॉन्ग द लेंथ. लेकिन वही अगर मैं इसको ऐसा खड़ा रखता हूं तो ये डस्टर का पूरा वजन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एंड देयरफॉर दिस लोड विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बीम है और बीम के बीच में से ही कॉलम स्टार्ट हो रहा है सो वो कॉलम विल एक्ट एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन द बीम. सिमिलरली इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ टेबल और अ डायस आई विल बी एक्टिंग एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन दैट डायस. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड. I am acting as a UDL over the bed. But I am standing on the bed. I am acting as a concentrated load on the bed, right? So, ये जो concentrated load रहता है ये हम कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल एक हाथ बीम है, बीम के ऊपर ही बीच में से कॉलम है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीम है और इफ दिस इज अ बीम और बीच में से ये कॉलम खड़ा कर दिया दिस कॉलम विल एक्ट एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड. राइट. और कॉन्सेंट्रेटेड लोड का यूनिट जो रहता है वो जनरली क्या रहता है? एक तो न्यूटन या फिर किलो न्यूटन. ठीक है. सेकेंड लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑल द वॉल्स विल एक्ट एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इफ देयर हाइट्स आर सेम ऑन बोथ द साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉलम और बीम का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक वॉल कंस्ट्रक्ट किए, दिस इज अ वॉल तो ये भी हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, मींस इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. राइट. सो दिस बीम दिस वॉल विल एक्ट एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर दिस बीम. तो ये बीम के ऊपर ये कैसे एक्ट करेगा? यूडीएल की वजह से एक्ट करेगा बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट. कभी कभी आप घरों के एलिवेशन में देखते होंगे तो कुछ वॉल्स ऐसे कंस्ट्रक्ट की रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, दिस इज कॉलम, दिस वन इज बीम. और फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा फॉर्मेशन है ना, कभी कभी आप देखते हो कि कुछ घर में ऐसा एलिवेशन रहता है सामने की दीवार में, ऐसी वॉल रहती है. सो दिस वॉल विल एक्ट एज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिकॉज द लोड हियर एंड लोड हियर इज वेरिंग, इट इज नॉट सेम, वेयर एज इन दिस केस इट इज यूनिफॉर्म. सो दिस विल नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल, एंड दिस विल बी नोन एज यूडीएल. कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो आपको समझ में आ गया, राइट. तो यूडीएल और यूवीएल में का फर्क समझ में आ गया. अब ये यूडीएल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, यानी लोड पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ. तो वो यूनिट कुछ भी रह सकता है, सेंटीमीटर भी रह सकता है, मीटर भी रह सकता है, राइट. और यूवीएल का भी यूनिट वही है, न्यूटन पर मीटर एंड न्यूटन पर सेंटीमीटर और किलो न्यूटन पर मीटर. फाइन. तो अभी आपको लोड समझ में आ गया. कॉन्सेंट्रेटेड लोड न्यूटन में रहता है, देन यूडीएल न्यूटन पर मीटर में रहता है, यूवीएल भी न्यूटन पर मीटर में रहता है. नेक्स्ट हम देखेंगे ये शियर फोर्स क्या होता है और शियर फोर्स का यूनिट क्या रहता है. शियर फोर्स, अब शियर का मीनिंग देखेंगे हम, फोर्स वो देखते हैं बाद में, बट शियर का मीनिंग देखते हैं. तो जो फोर्स शियर करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है दैट इज नोन एज शियर फोर्स. अब शियर करना मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट है,
गाजर है, गाजर को आप चाकू से कट कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज शियरिंग। आप क्या कर रहे हो, दोनों को अलग कर रहे हो, राइट, दैट इज नोन एज शियरिंग। फॉर एग्जाम्पल आप पनीर को काट रहे हो, दैट इज नोन एज शियरिंग। तो शियरिंग करने के लिए क्या रखता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल राइट विच इज रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, और इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक गाजर रखा हुआ है, जस्ट कंसिडर दिस एज अ कैरेट, और एक नाइफ है, नाइफ से आप इसको कट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इसको कट करते हो तो ये नाइफ फोर्स कैसा अप्लाई करता है, डाउनवर्ड, तो ये नाइफ यहां से फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड, और ये कैरेट इसके ऊपर रखा हुआ है, बट ये टेबल नीचे नहीं जा रहा है, हम तो फोर्स नीचे लगा रहे हैं बट ये टेबल नीचे नहीं जा रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन कर रहा है, अपवर्ड दोनों तरफ से। तो नाइफ इज अलाउिंग, लाइफ इज गिविंग प्रेशर डाउनवर्ड, वेयर एज टेबल जो रिएक्शन दे रही है वो कैसे दे रही है, अपवर्ड। और अगर आप ये दो फोर्सेस देखोगे, इक्वल फोर्सेस है, वन इज अपवर्ड एंड अनदर वन इज डाउनवर्ड, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज शियर फोर्स, ठीक है, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज शियर फोर्स। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चौक को काटना है, तो जब मैं चौक को काटता हूँ लाइक दिस, तो देखो ये जो हाथ है, हाथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो रिएक्शन कैसे आ रही है, अपवर्ड। और ये अगर नाइफ है, तो नाइफ को मैं नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डाउनवर्ड। व्हेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस ऑकर्स, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ शियर, वहां पे कटिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, कट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे आता है शियर, वो देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, दिस इज कॉलम, इसके ऊपर हमने एक बीम रख दिया, और ये बीम के ऊपर एक दीवार है, दिस इज अ वॉल। अब ये वॉल क्या कोशिश कर रही है, नीचे आने की कोशिश कर रही है, दिस वॉल इज ट्राइंग टू गो डाउनवर्ड। लेकिन ये कॉलम तो हमारे ग्राउंड में फिक्स है, ये नीचे नहीं जाने दे रहे, तो क्या होगा कि ये जो बीम है, दिस इज अ बीम, ये बीम यहां से टूटने की कोशिश करेगा, टियर करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये कॉलम जो है ये कहां कैसे रिएक्शन दे रहा है, अपवर्ड रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा है। ये भी कॉलम कैसे रिएक्शन दे रहा है, अपवर्ड रिएक्शन दे रहा है, और जो इतना पोर्शन बीम का है वो कैसे रिएक्शन दे रहा है, डाउनवर्ड रिएक्शन दे रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन अपवर्ड फोर्स, अनदर डाउनवर्ड फोर्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शियर फोर्स, एंड दिस शियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कट दिस बीम एट दिस पोजिशन, ये पोजिशन पे कट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां जहां भी ऐसा रहता है, जहां पे भी ऐसा कंडीशन रहती है कि यहाँ पे ओपनिंग है, दिस पोर्शन इज ओपनिंग, यहाँ ये साइड में वॉल है और ये साइड में वॉल है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, विंडो पे, डोर्स पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओपनिंग है ऐसी, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्रैक्स हैं, राइट, एंड दिस क्रैक्स आर नथिंग बट शियर क्रैक्स। अब ये शियर क्रैक्स नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये शियर क्रैक नहीं आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे रिंग्स प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं स्टीरअप्स, और वो स्टीरअप्स क्या कहते हैं, इट अरेस्ट दिस क्रैक, वो क्रैक को प्रोलॉन्ग नहीं होने देती, आगे बढ़ने नहीं देती, राइट। सो दिस इज नोन एज शियर फोर्स। अब मैथमेटिकली शियर फोर्स कैसे रहता है, तो मैथमेटिकली शियर फोर्स इज, शियर फोर्स यानी आपको ये समझ में गया, शियर फोर्स मतलब क्या है, काटना, राइट, कट करना। शियर फोर्स का मैथमेटिकल मीनिंग है, शियर फोर्स इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बीम, लेट अस कंसिडर दिस एज अ बीम, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, लेट अस कंसिडर अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 100 न्यूटन, ओके, दिस इज 4 मीटर, एंड सो दिस इज सेंटर, सो दिस विल बी 2 मीटर, राइट, सो दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। तो यहां पे अगर ये हमने सेक्शन कंसिडर किया, तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एक्स एक्स इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन के एक तो ये साइड के पूरे फोर्सेस की समीशन कीजिए, या फिर ये साइड के पूरे फोर्सेस की समीशन कीजिए, जो समीशन होने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज नथिंग बट शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, अल्जेब्रिक सम। लेकिन क्या यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, डायरेक्शंस, अभी जैसे हम कंसिडर करते हैं कि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, अगर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो ये पॉइंट पे ये साइड में कितने फोर्सेस है, सिर्फ ये एक फोर्स है आर ए। अब ये आर ए कितना रहेगा, अगर ये सेंटर पे है तो ये रहेगा 50, ये रहेगा 50, तो ये साइड में एक ही फोर्स है, यानी यहाँ पे शियर फोर्स कितना आ जाएगा, प्लस 50। सिमिलरली इधर के साइड का अगर हम समीशन करते हैं, तो ये कितना हो गया, माइनस 100, ये कितना हो गया, प्लस 50,
सो माइनस 100 प्लस 50 माइनस 50, तो ये साइड में आपको कितना मिलेगा माइनस 50 और ये साइड से कितना मिलेगा प्लस 50, लेकिन एक्चुअल में प्लस ही मिलना चाहिए, शेयर फोर्स एक जगह कितना रहेगा प्लस रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लस कैसे मिलता है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा साइन कन्वेंशन में। सिर्फ आप ये समझ लो शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन एट एनी पॉइंट इज समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। एक तो ये साइड, अगर हम ये सेक्शन कंसिडर करते हैं तो ये साइड लेफ्ट साइड होगी, ये साइड राइट साइड होगी। एक तो आप ये साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समीशन कीजिए या फिर ये साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समीशन कीजिए, कोई भी आपको चल जाएगा, ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस क्या है शेयर फोर्स के, तो अगर दिस इज सेक्शन, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन एंड दिस इज राइट साइड ऑफ द सेक्शन, लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाले फोर्सेस को आपको कंसिडर करना है पॉजिटिव और नीचे जाने वाले फोर्सेस को कंसिडर करना है निगेटिव। सिमिलरली राइट साइड में अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को कंसिडर करना है निगेटिव और डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस को कंसिडर करना है पॉजिटिव। अभी हम ये कंसेप्ट लगा के देखते हैं, अभी ये सेक्शन है, अभी ये सेक्शन एक्स एक्स को शियर फोर्स एट एक्स एक्स हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये इसके लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं, सो ओनली वन विच इज 50 गोइंग अपवर्ड, तो लेफ्ट साइड में अपवर्ड है ना प्लस 50, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस 50 न्यूटन, ठीक है। अभी हम राइट साइड का से कैलकुलेट करके देखते हैं, शियर फोर्स एट एक्स एक्स कंसिडरिंग राइट साइड, राइट साइड में कितने फोर्सेस है, दो, 100 एंड 50, 100 इज गोइंग डाउनवर्ड, बट राइट साइड में डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, यानी प्लस 100 और अपवर्ड मीन्स निगेटिव माइनस 50, तो आंसर कितना आ गया 50। तो देखो दोनों साइड से हमने कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया हमारा प्लस 50 प्लस 50। सिर्फ आपको ये साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट शियर फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट। नाउ बेंडिंग मोमेंट मीन्स व्हाट, बेंडिंग मोमेंट मीन्स फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग एनी सेक्शन और एनी थिंग, राइट। अब बेंड कैसे करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चीजें बेंड करनी है तो हम बेंड कैसे करते हैं जनरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, इसको मुझे बेंड करना है तो मैं बेंड कैसे करूंगा, ये दो थंब है और इसको लाइक दिस बेंड करूंगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरा फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके ये ऐसा बेंड हो रहा है। अगर मुझे इसको ऊपर बेंड करना है तो ये ऐसा और ऐसा लाइक दिस, ये कब होगा, जब मैं एक फोर्स ऐसे अप्लाई करूंगा और दूसरा फोर्स ऐसे अप्लाई करूंगा, राइट। तो दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग है, सो दिस इज नोन एज बेंडिंग। सो जो भी फोर्स बेंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो अभी बेंडिंग मोमेंट की भी डेफिनेशन शियर फोर्स के जैसी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे, जैसे शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, इट इज अल्जेब्रिक, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, राइट, ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। हियर देयर इज ओनली डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल फोर्सेस देयर विल बी मूवमेंट्स, इट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी फिर से हम वही बीम लेते हैं जो शियर फोर्स के वक्त लिया था, कितना मीटर था ये, 4 मीटर था, सेंटर पे पॉइंट लोड था 100 न्यूटन का, राइट, और ये 1 मीटर था, 1 मीटर दिस इज 2 मीटर, ये सेक्शन है हमारा और यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब ये सेंटर पे है तो ये कितना हो जाएगा 50, रिएक्शन ये 50। अब यहाँ पे एक्स एक्स पे मोमेंट निकालनी है तो एम एक्स एक्स दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। अभी आपको क्या करना है, मोमेंट निकालना है, तो सर ये 50 लेके नहीं चलेगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 मीटर, सो ये कितना आ जाएगा 50 × 1 विच इज इक्वल्स टू 50 kN मीटर। क्यों kN मीटर, इसका यूनिट क्या है kN और ये 1 का यूनिट क्या है मीटर, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें kN मीटर। तो ये आपको समझ में आएगा, ये हमने लेफ्ट साइड कंसिडर करके निकाला है। अभी सिमिलरली हम इधर के साइड के भी फोर्सेस लेके निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। अगर ये सेक्शन है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर होंगे तो वो पॉजिटिव रहती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे तो वो निगेटिव रहती है। राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर है तो वो निगेटिव रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे
ये हमने लेफ्ट साइड से निकाला था, अभी राइट साइड से निकालते हैं, कंसिडरिंग राइट साइड। तो राइट साइड अगर हम कंसिडर करते हैं तो 150, ठीक है। अब ये 100 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन राइट साइड में क्लॉकवाइज क्या रहता है, निगेटिव। तो 100 और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्स से 1 मीटर, तो ये हो जाएगा -100 × 1। ये 50 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। और यहां से डिस्टेंस कितना है इसका, 3 मीटर, यानी +50 × 3 मीन्स 150 - 100। तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 50 kN/m। तो देखा आपने कि दोनों साइड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमें सेम मिलता है, बट आपको क्या फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है। दिस साइन कन्वेंशन इज फॉर बेंडिंग मूवमेंट। इसके पहले के साइन कन्वेंशन किसके लिए थे, शियर फोर्स। रिएक्शन के लिए कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। रिएक्शन के लिए आपको सिंपली कंसिडर करना है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव वाइल कैलकुलेटिंग रिएक्शंस। अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करना है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है तो शेयर फोर्स की रिएक्शन साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, और अगर हमें बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है। सो अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते, दैट इज सैगिंग एंड हॉगिंग क्या रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टिक है और ये स्टिक को हम थंब से ऐसा कर रहे हैं लाइक दिस, तो एक मोमेंट हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी मोमेंट हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्टिक हम लेते हैं यहाँ पे और इसको मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ लाइक दिस, तो एक फोर्स मैं ये डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड फोर्स मैं ये डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, सो इट विल बेंड लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज सैगिंग, इसे हम क्या कहेंगे, सैग होना। जब हम फॉर एग्जाम्पल दो बांसे लगे हुए और उस पर रस्सी और कपड़े जब हम डालते हैं उस पर, तो देयर इज अ स्लोप लाइक दिस, फाइन, दैट इज नोन एज सैगिंग, ओके। स्माइलिंग फेस अगर है, सैगिंग है, इसका मतलब क्या कंसिडर करना है आपको, पॉजिटिव कंसिडर करना है। पॉजिटिव क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि देखो अगर हम इसका सेक्शन लेते हैं यहाँ पे और ये साइड का फोर्स देखते हैं तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड भी पॉजिटिव। अब आते हैं हम इस पे, इसे हम कहते हैं हॉगिंग, सैड फेस है का मतलब हॉगिंग है, और ये इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, निगेटिव। इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। अब इसके लेफ्ट साइड में देखो फोर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में कैसा रहता है, निगेटिव, और राइट साइड में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज राइट साइड में कैसा रहता है, निगेटिव, इसलिए ये कैसा है, निगेटिव है। तो स्माइलिंग फेस यानी सैगिंग पॉजिटिव, सैड फेस यानी हॉगिंग निगेटिव। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ सम बेसिक्स ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड विथ वी विल ऑल्सो टेक सम बेसिक न्यूमेरिकल्स। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो फॉर नोट्स यू विल फाइंड द अटैचमेंट और लिंक फॉर नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन।